رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كل يه سبق آیا تھا کہ علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے سورہ فاتحہ کے 14 نام گنائے ہیں اپنی تفسیر میں उनका तज़किरा आया, उसमें सूरह फातिहा का एक नाम उन्होंने लिखा है सूरतुस्सलाह। सूरतुस्सलाह के माने आते हैं नमाज वाली सूरत। इस सूरत को नमाज वाली सूरत इसलिए कहा जाता है कि इसको नमाज में पढ़ा जाता है, हर नमाज में, फर्ज हो या सुन्नत हो या नफल हो। सूरत सलात इसको कहते हैं। अब यहां दो मसले हैं। एक मसला यह है कि सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में फर्ज है या वाजिब है, यह एक मसला है। फर्ज को कहते हैं कि उसके बगैर नमाज अदा ही नहीं होगी, न पूरी अदा होगी तो न आधी अदा होगी, बिल्कुल ही नहीं। जैसे किसी ने रुकू ही नहीं किया, सजदा ही नहीं किया, क़याम ही नहीं किया, किरात ही नहीं की, नमाज नहीं होगी। उसमें हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहां यह तहकीक है, अनाब के यहां की सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। मुतलक किरात करना तो फर्ज है, कुरान पाक का कोई ना कोई हिस्सा पढ़ना जरूरी है, लेकिन सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। सवाल फर्ज क्यों नहीं है, उसके दलाइल है कि सूरह फातिहा को आपने फर्ज करार नहीं दिया। ये तो फरमाया कि सूरह फातिहा नमाज नहीं, किसी ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ ली तो उसकी नमाज नाकिस होगी, अधूरी होगी, लेकिन ये नहीं फरमाया उसकी नमाज ही होगी ही नहीं, वो तो बेनमाज ही रह गया। उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो हम हदीस शरीफ को तलाश कर लेंगे। इस सिलसिले में तीन जगह बुखारी शरीफ में एक वाक्य नकल है, वो वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। इसको बाबुल अजान में भी इमाम बुखारी ने नकल फरमाया है। सनद को मैं छोड़ देता हूं, आगे सहाबी जो हैं रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल मस्जिद, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, फदखल रजुलुन, उसके बाद एक और शख्स मस्जिद में हाजिर हुए, फसल्ला, उस शख्स ने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, एक मजमा था, फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर उसने सलाम किया, फरद्द, आपने सलाम का जवाब दिया, तेम शख्स कर सलाम रसूल पास हूं गड़पड़ नमाज पाता हजरत वकाल, रसूलुल्लाह ने सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया इरजे फसल्ली फैनका लम तसल्ली, फरमा कि जाओ दोबारा नमाज पढ़ लो, इसलिए कि तुम्हें नमाज पढ़ी ही नहीं। फराजा, वो शख्स गया, फसल्ला, उसने नमाज पढ़ ली, कमा सल्ला, जैसे पहली मतलब पढ़ी थी, नया नया शख्स था, अजनबी था, बहरहाल नमाज पढ़ ली उसने दोबारा, सुम्म जा, फिर वो आया नमाज पढ़ने के बाद, फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया, सलाम कर बैठती थी, हजरत ने फरमाया इरजे फसल्ली फैनका लम तसल्ली, वापस जाओ नमाज पढ़ लो, इसलिए कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। वो फिर गया नमाज पढ़ने के लिए, फिर वापस आया, आपने तीन मरतब उसका यही फरमाया सलासन, फकाल वल्लजी बासक बिल हक, उस शख्स ने अर्ज किया कसम उस परवरदिगार की जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, मां उसीनो गैर हो, मुझे इससे ज्यादा अच्छी नमाज पढ़नी नहीं आती, हजरत मिश्ता का इसी नमाज पढ़ी जिसमें पढ़ फ अल्लिमनी,
हजरत मुझे आप सिखा दीजिए मुझे किस तरह नमाज पढ़नी है, तीन मतलब मैं पढ़ चुका हूं, आपने फिर फरमाया कि आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। फकाला इजा कुमत इला सलाती, आपने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फकबीर तो तकबीर पढ़ लो, तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर, सुम अकरा मा तयस्सर माक मिन अल कुरान, उसके बाद जो कुछ तुम्हें याद है वो पढ़ लो, उसके बाद जो कुछ तुम्हें याद है वो पढ़ लो, फकरा मा तयस्सर माक मिन अल कुरान, ये क्या था याद छू पढ़ लो, सुम मरका फिर रुकू कर, हत्ता तत्मइन्न राकियन यहां तक आप इत्मीनान के साथ रुकू कर ले, सुम मरफा फिर रुकू से क्या कर खड़े हो जा, यहां तक कि आप इत्मीनान के साथ खड़े हो जाएं पूरे एतदाल के साथ, सुम मस्जिद फिर सजदा कर, हत्ता तत्मइन्न साजिदन यहां तक कि आप इत्मीनान के साथ सजदा कर लें, सुम मरफा फिर सजदे से सर उठा, हत्ता तत्मइन्न जालिसन इत्मीनान के साथ बैठ, इत्मीनान के साथ हो गया एक सजदा, फिर सजदा कर, वफअल ذلك في صلاتك كلها और पूरी नमाज को इसी तरह से पढ़ लेना। तो ये रिवायत इमाम बुखारी रहमान ने नकल कर ली है किताब उल अजान में, यही वाकया है यहां थोड़े से अल्फाज की ज्यादती के साथ। हजरत अबू हुरैरा फरमाती हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए, इतने में एक शख्स आया, अरबी इबारत को मैं छोड़ देता हूं, और नमाज पढ़ने लगा, नमाज के बाद उसने आकर रसूल पास उनको सलाम किया, आपने सलाम का जवाब देकर फरमाया वापस जाकर दोबारा नमाज पढ़ लो क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी, चुनाच उसने दोबारा नमाज पढ़ ली और फिर वापस आकर आपको सलाम किया, आपने उस मतलब यही फरमाया कि दोबारा जाकर नमाज पढ़ लो क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी, तीन बार इस तरह हुआ। आखिर में उस शख्स ने कहा उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया, मैं तो इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप मुझे सिखलाइए। आपने फरमाया जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो पहले तकबीर तहरीमा कहकर कह लो, फिर कुरान मजीद में से जो कुछ तुझे हो सके पढ़ लो, उसके बाद रुकू कर और पूरी तरह रुकू में चला जा इत्मीनान के साथ, फिर सर उठा और पूरी तरह खड़ा हो जा, फिर जब तू सजदा करे तो पूरी तरह सजदे में चला जा, फिर सजदा से सर उठाकर अच्छी तरह बैठ जा, दोबारा भी इसी तरह सजदा कर, यही तरीका नमाज की तमाम रकातों में इख्तियार कर। हो गई दो रिवायतें, एक रिवायत में थोड़ा अल्फाज अलावा है, ये रिवायत भी यही है, इसमें आखिर में एक अल्फाज ज्यादा है एक सतर, क्या सारी रिवायत यही है, जब सीधा खड़े हो जाओ तो सजदा करो, जब सजदे की हालत में अच्छी तरह हो तो सजदे से सर उठाओ, यहां तक कि सीधे हो जाओ और इत्मीनान से बैठ जाओ फिर सजदा करो, हो गया दूसरा सजदा, और जब इत्मीनान से सजदा कर लो तो सर उठाओ यहां तक कि सीधे खड़े हो जाओ, यह अमल तुम अपनी पूरी नमाज में कर लो। अब ये तीन जगह रिवायत आ गई, मुमकिन है इसके अलावा भी हो। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ तुम्हें कुरान पाक याद है वो पढ़ लो, अगर सूरह फातिहा फर्ज होता हजरत फरमाते सूरह फातिहा तो फर्ज है, उसके बगैर तो तुम्हारी नमाज होगी ही नहीं, सूरह फातिहा का तज़किरा ही रिवायत में आया नहीं, और आप सब समझा रहे हैं उसको सिखला रहे हैं, इब्तिदाई दौर का वाकया नहीं है, मस्जिद नबी का वाकया है, रफ़ुल यदैन का भी इसमें तज़किरा नहीं कि रफ़ यदैन कर लेना, जो लोग उसको बहुत फर्ज के दर्जे का करार देते हैं, हालांकि सारे लोग फरमाते हैं भाई सुन्नत है। तीसरी बात, दूसरे सजदा करने के बाद आपने सीधे फरमाया खड़े हो जाओ, ये सुम्मरफा हत्ता तस्तवी कायमा, दूसरे सजदे से सर उठा के सीधे खड़े हो जाओ, जलसे इस्तिराद का भी तज़किरा इसमें नहीं है। तो बहरहाल ये तीनों वाक्यात जो मैंने आपको बताया ये तीन जगह पर हैं, तीनों बुखारी शरीफ के हैं, उसी हवाले से मैंने आपको ये बता दिया। अब सवाल है कि उसको क्यों फरमाया तुम्हारी नमाज नहीं हुई, इसलिए कि वह अरकान को अच्छी तरह से अदा नहीं करता था, या रुकू नहीं करता था, या सजदा क्या करता था, बहरहाल आपने फरमाया कि इस तरह से नमाज पढ़ लो, इससे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना फर्ज नहीं है, वाजिब जरूर है, वाजिब क्योंकि आपने खुद फरमाया जिसने सूरह फातिहा नमाज में नहीं पढ़ ली उसकी नमाज कामिल नहीं, उसकी नमाज एक मसला तो यह हल हो गया। दूसरी बात, सूरह फातिहा को अगर फर्ज करार दें, क्या
कि सूरह फातिहा फर्ज है। तो जो लोग आते हैं नमाज में शामिल हो जाते हैं और इमाम के साथ उनको रुकू मिल जाता है क्या, तो उनकी तो नमाज ही नहीं होनी चाहिए, वो वाली रकात तो होनी नहीं चाहिए। उसके बारे में रिवायतें हैं, पहले मैं सुना लेता हूं रिवायतें। यह भी बुखारी शरीफ है, इसमें यह वाकया है और दूसरी रिवायतें भी हैं। यह रिवायत है, बाबुन इजा रका दून सफ, इमाम बुखारी अलैहि रहमान ने यह बाब कायम किया है कि जब कोई शख्स सबसे पहले ही रुकू कर ले, सफ में पहुंचने से पहले रुकू कर ले। असूल के एतबार से तो यह होना चाहिए कि पहले आदमी आ जाए और सफ में पहुंचे, उसके बाद रुकू कर ले। लेकिन यह वाकया क्या हुआ, वाकया यह हुआ कि एक सहाबी हजरत अबू बकरा, हजरत अबू एक होता है अबू बकर एक अबू बकरा, ये मस्जिद में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रुकू में थे, सारे सहाबा रुकू में थे। फरका कबलाई यसिला इला सफ, तो सफ में पहुंचने से पहले ही उसने रुकू कर लिया, इस वजह से कि अगर मैं सफ तक पहुंच जाऊंगा हो सकता है तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा तो मेरी तो रकअत चली गई। फज़ुकिरा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के बाद एक शख्स ने जो बगल में था उन्हें कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दूर से ही रुकू कर लिया उसने और फिर रुकू की हालत में थोड़ा सा जितना भी था रुकू की हालत में आके चल के सब में मिल गया, तो सिर्फ उसको रुकू मिल गया। आपने फरमाया ज़ादा कल्लाहु हिरसन, अल्लाह तुम्हारे शौक को और बढ़ा दे, अल्लाह तुम्हारे शौक को और बढ़ा दे। कितना शौक है आपको कि मुझे क्या नमाज मिल जाने की रकअत मिल जाएगी। वला तऊद, लेकिन देखो आइंदा सबसे पहले रुकू न करना, सब में पहले से पहले पहुंचने से, बल्कि जब सब तक पहुंच जाओगे रुकू मिल जाए तो ठीक है। तो आपने ये नहीं फरमाया कि ये जो तुमने कयाम नहीं किया हमारे साथ और सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, ये नहीं फरमाया आपने कि तुम्हारी तो नमाज ही नहीं होगी, सिर्फ फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे शौक को ज्यादा कर ले, लेकिन देखो आइंदा ऐसा न करना कि सबसे पहले ही क्या करना रुकू कर लेना। ये तो है मसला। अब सवाल यह है कि जिस आदमी को रुकू मिल जाए उसको रकात मिले, इस पर तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, इस पर तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। हजरत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी ने जो तिर्मिजी शरीफ की शरह लिखी है उसमें इन्होंने इस हदीस पाक के तहत ये बात लिखी है, इसमें पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। और मैं तिर्मिजी शरीफ की वो रिवायत पढ़ के सुनाता हूं और अबू दाऊद की भी रिवायत है। ये बाब बांधा है हजरत इमाम तिर्मिजी अलैहि रहमत ने, यह भी सुन लेना इमाम तिर्मिजी अलैहि रहमत कौन है। यह इमाम बुखारी अलैहि रहमत के जबरदस्त बड़े मायनाज शागिर्द हैं, इसीलिए ये जब लिखे तज़किरा करेंगे इमाम बुखारी अलैहि रहमत का कहते हैं काल मोहम्मद, क्या साल तो मोहम्मद है, मैंने फिर मोहम्मद से पूछा, मोहम्मद से मौत कौन है, मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी अलैहि रहमत। ये फरमाते हैं, ये फरमाते हैं बाबू मा ज़ुकिरा फिर रजुल युद्रिकुल इमाम साजिदन कई फैसला, अगर कोई आदमी इमाम को सजदे में पाए तो क्या करे। आगे रिवायत नकल करते हैं कि माज इब्न जबल फरमाते हैं और इब्न अबी लैला काला ये फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आता अहदुकुम सलात, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए आ जाए वल इमाम अला हालिन, इमाम जिस हालत में हो फल यसना, तो जो आने वाला आदमी है वो भी वही करे जो इमाम कर रहा है, यानी इमाम अगर अतयात में है तो अतयात में बैठे, इमाम अगर सजदे में है तो सजदे में बैठे, कमा यसनोल इमाम जैसे इमाम कर लेता है। ये फिर फरमाया इजा जा अर रजुल वल इमाम साजिद, जब शख्स कोई आ जाएगा इमाम को सजदे में देखेगा तो अल्लाह अकबर करके सजदे में जाए, फल यसजुद सजदा करे, वला तुज्जू तिलकर रकाता, लेकिन वो रकत उसको शुमार नहीं करे, सौ रकत या मुजरा
कौन सा रकात? जिसमें सजदे में तो शामिल हो गया वो रकात शामिल नहीं। इदा फातहु रुकू माल इमाम, जब उसको इमाम के साथ रुकू फौत हो जाए, इमाम के साथ रुकू नहीं मिला सजदा मिला, फरमाया कि उस रकात को वो शामिल शुमार न करे जब वो इमाम के साथ रुकू को रुकू फौत हो गया। इसका मतलब यानी अगर इमाम के साथ रुकू मिल गया, इमाम के साथ रुकू मिल गया, इसका मतलब था कि उसकी वो रकात मिल गई। यह फरमाया, तो ये इमाम तिर्मिजी अलैहि रहमतुल्लाह ने यहां बाब बांधा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम जिस हालत में हो तो उसी हालत में तुम उसकी इक्तदा कर लो, सजदे में है तो सजदे में चले जाओ, लेकिन उस रकात को शुमार मत कर लो अगर उसने इमाम के साथ रुकू नहीं पा लिया। तो इसका मतलब तो यह हुआ अगर इमाम के साथ किसी ने रुकू पा लिया तो वो रकात तो उसको मिल गई, हालांकि उसने तो रुकू पा लिया। सूरह फातिहा का उसने कहां पढ़ा था? उसने सूरह फातिहा पढ़ाई, तो जब सूरह फातिहा नहीं उसने पढ़ी तो फिर तो नमाज ही नहीं होनी चाहिए, वो रकात तो शुमार में नहीं होनी चाहिए। इससे इसमें लिखा है हजरत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी फरमाते हैं, इदा आता अहदुकुम सलात वल इमाम अला हालिन फलयस्ना कमा यस्नुल इमाम, फरमाते हैं उम्मत का इस पर इत्तिफाक है, उम्मत का इस पर कि मुद्री के रुकू मुद्री के रकात है, यानी जिसको रुकू मिल गया उसको रकात मिल गई। तो अगर सूरह फातिहा को फर्ज करार दे दिया जाए मुक्तदी के लिए भी उसकी तो नमाज ही नहीं हुई, उसको तो वो दोबारा पढ़नी चाहिए। तो एक मसला तो ये आया था। दूसरा मसला ये है कि इमाम के पीछे क्या करना है, उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ये तो रिवायत मैंने आपको इमाम तिर्मिजी अलैहि रहमतुल्लाह की, तो ये है अबू दाऊद शरीफ में भी ये रिवायत है, ये रुकू वाली रिवायत कि जिसको रुकू मिल गया और उसको रकात मिल गई, और अगर उसको सजदा मिल गया तो वो रकात उसको वो उसको शुमार नहीं करेगा। एक मसला तो ये, दूसरा मसला ये है कि इमाम के पीछे किरात करने वाला मसला, कि इमाम के पीछे किरात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जहरी नमाजों में जब इमाम जहर करता हो उसमें तो न तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इजाजत देते हैं, न तो इमाम मालिक अलैहिर्रहमा इजाजत देते हैं, न तो इमाम अहमद बिन हम्बल इजाजत देते हैं, और इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के जो दो फतावा है लेकिन आखिर में जो किताबुल उम में उन्होंने लिखा है जहरी नमाजों में तो वह भी इजाजत नहीं देते। मालूम तो यह हुआ कि जहरी नमाजों में अगर इमाम शाफी अलैहिर्रहमा का एक कौल ले लिया जाए तो वह तो एक तरफ है और अइम्मा सलासा एक तरफ है। क्यों? इसलिए फरमाते हैं कि जब इमाम किरात कर रहा हो जोर से तब तो मुक्तदी को किरात करनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें गोया कि उम्मत का इत्तिफाक है कि जहरी किरात में तो इमाम के पीछे किरात ही नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तो किरात कर रहा है। सवाल क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है कि जो कुरान पाक में फरमाया वइज़ा क़ुरिया अल-क़ुरआन फस्तमिऊ वानसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये सूरह आराफ वाली आयत है। सूरह आराफ में यह आयत है, जब कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगाए रखो, कान लगाए रहो उसकी तरफ, वानसितू और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम हो, ताकि तुम पर। इसमें फरमाया जब कुरान शरीफ पढ़ा जाए, और जाहिर सी बात है आमतौर से तो लोग उसी वक्त जमा हो जाते हैं, या तो जलसे में आप कोई किरात कर रहा है आप सुन रहे हैं, अक्सर तो ज्यादा नमाजों में होता है ऐसा, जलसे तो रोजाना होंगे भी नहीं, या तो खुतबे में ऐसा होता है या तो नमाज में। खुतबे में तो कुरान पाक की तिलावत होती है, और हमारे यहां तो खुतबों में तो बहुत कम कुरान पाक की तिलावत होती है, वहां तो या तो खुतबा जबानी पढ़ लेते हैं या तो देख के पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु, एक आध आयत अगर उसमें आ गई तो आ गई। चलो बहरहाल खुतबे में भी अगर कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो उसका सुनना वाजिब है, तो नमाज में भी अगर पढ़ा जाए तो उसका सुनना क्या है, वाजिब और लाजिम है। यह है तो अल्लामा उस्मानी अलैहि रहमा ने मौज़िहुल कुरान जो हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा का है उनका ये यहां नकल कर लिया है, हजरत ने इस आयत के ऊपर जो लिखा है वो यह है, जब कुरान ऐसी दौलत बेबहा और इल्म हिदायत की कान है
तो उसके किरात का हक सामईन पर यह है कि पूरी फिक्र तवज्जो से उधर कान लगाए, उसकी हिदायत को समय कबूल से सुने और हर किस्म की बातचीत शोर शगब जिक्र फिक्र छोड़कर अदब के साथ खामोश रहें ताकि खुदा की रहमत और मेहरबानी के मुस्तहिक हों। अगर काफिर इस तरह कुरान सुने तो क्या वईद है कि खुदा की रहमत से मुशर्रब ईमान हो जाए और पहले से मुसलमान है तो वली बन जाए या कम अज कम इस फैल के अजर सवाब से नवाजा जाए। इस आयत से बहुत से उलमा ने यह मसला भी निकाला है कि नमाज में जब इमाम किरात करे तो मुक्तदी को सुनना और खामोश रहना चाहिए, जैसे कि अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु और अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वइज़ा क़रा फ़ानसितु, यह रिवायत मुस्लिम शरीफ की है कि जब इमाम नमाज में किरात करे तो तुम चुप रहो। तो चूंकि वह किरात कर रहा है उस वक्त तो किरात का सुनना तो वाजिब है, इसलिए कि अगर वो नहीं सुनेगा तो वो फिर तो अपनी नमाज किरात में मशगूल हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये तो बाकी कुरान पाक के बारे में अलहमद के बारे में नहीं है, इमाम अलहमद अपनी पढ़ ले मकतदी अपनी पढ़ ले, ठीक है चलो दो मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त मस्जिद में पहुंचे जिस वक्त इमाम सूरह रहमान पढ़ रहा है, क्या सूरह फातिहा वो पढ़ चुका है सूरह रहमान पढ़ रहा है, आप क्या करेंगे उस वक्त? उस वक्त तो वो कुरान शरीफ पढ़ रहा है, चलो आप सूरह फातिहा को मुस्तस्ना कर देंगे कि सूरह फातिहा के वक्त उसका सुनना वाजिब, लेकिन वो तो सूरह यासीन पढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? और इधर से वो पढ़ रहा है रहमान अल्लामा कुरान, आप अपनी अरब शरीफ पढ़ रहे हैं तो आप उधर तवज्जो करेंगे इधर तवज्जो करेंगे, तो जाहिर सी बात है या तो उसको अपनी अलहमद शरीफ की तवज्जो करें या तो उधर, तो उसके ध्यान इधर उधर जाएगा। फिर दूसरी बात है ये भी फरमाया जब इमाम वलद दुआलिन पर पहुंचे तो आमीन कहो, भाई दुआ तो एक ही मांगता है ना, जब इज्तिमाई दुआ हो तो दुआ एक ही मांगता है, तो तभी तो लोगों से कहेंगे तो आप आमीन आमीन कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में दुआ मांग रहे थे, साहबा आमीन आमीन करते थे, और भी मुख्तलिफ मौकों पर आपने दुआ मांगी और साहबा आमीन आमीन कर रहे थे। तो जब इमाम दुआ मांग रहा है तो आप आमीन कर लेंगे, दुआ तो एक ही मांगता है। सूरह फातिहा को फरमाया ये तो दुआ है, कुरान पाक में है मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे फिरौन के लिए बद्दुआ कर रहे थे, तो हारून अलैहिस्सलाम दुआ आमीन कर रहे थे, वो नहीं मांग रहे थे। कुरान पाक ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे रब्बना अतमिस लना अहवालहिम वहदद अला कुलूबहिम, तो उसमें तज़किरा सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन जब दुआ कबूल होगी अल्लाह ताला फरमा काल कद उजीबत दावतुकुम, कि मैंने तुम दोनों हजरात की दुआ कबूल कर ली, मांगने वाला एक था बाकी आमीन करने वाले थे, आमीन करने वाले का आमीन का मतलब या अल्लाह इसको कबूल कर, या अल्लाह इसको कबूल कर जो ये कह रहा है। तो जब सूरह फातिहा को फरमाया ये तो दुआ है, तो एक आदमी दुआ पढ़ रहा है तो पीछे लोग आमीन कहेंगे, इसका मतलब तो है कि उसका काम तो पढ़ना है, पीछे वाले लोगों का कान लगाकर आमीन करना है। अच्छा चलिए आप कहेंगे साहब मैं तो अपने फातिहा पर भी आमीन कहूंगा इमाम पर भी आमीन करूंगा। अच्छा अगर आप उस वक्त नमाज में पहुंच गए हैं मस्जिद में कि इमाम उस वक्त सूरह फातिहा इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन पर पहुंच चुके थे और अश्कुर वन अल्लाहु अकबर, तो अब मैं अलहमद शरीफ पढ़ रहा हूं अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम इमाम के पीछे, अब मैं अर रहमान रहीम पढ़ता हूं वो वलद दालिन पर पहुंच गया, अब सारे लोग आमीन करेंगे तो मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे अपनी सूरह फातिहा को जारी रखना है या उसके वलद दालिन पर आमीन करना है? ये मसला है ना, यह चोट वाला मसला नहीं है क्या हम किसी मसले पर चोट कर रहे हैं, लेकिन खूब सुन लो, हनफी लोगों के जहनों में यह है कि डाला रहे उनके जहनों में कि हमारी नमाज नाकिस है, अच्छा नमाज यून, लेकिन जो उलमा है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो 100% यकीन के साथ वो कहते हैं कि हमारे जिम्मे किरात नहीं है, लेकिन अवाम तजब्जुब का शिकार है, अवाम तजब्जुब का शिकार है। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करता हूं मुझे सिर्फ यह बताना है कि हम सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ते, हमारी नमाज होती या नहीं होती, मुझे यह नहीं कहना है कि फलां आदमी गलत करता है वो क्यों पढ़ता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल ये ज़हन में आप न रखिए, सिर्फ यह बताना है कि हम लोग सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये वजह है, इसलिए नहीं पढ़ते कि इमाम तो किरात कर रहा है, दलाइल इतने मजबूत हैं। और अब सवाल यह है कि इमाम तो वलद दालिन पर पहुंच गया और मैं तो अभी अपनी सूरह फातिहा पढ़ रहा हूं, अब मेरे लिए बताइए मुझे क्या करना है? मैं चाहे सूरह फातिहा जारी था उनकी मैं करूं आमीन, अगर मैं सूरह फातिहा जारी तो इतने हदीस खिलाफ को फरमू के लिए इमाम वलद दालिन का तहकर जोस्त आमीन,
और अगर मैं सूरह फातिहा थी तो पानो बस वो तुम या कना बुद या कनस्तीन पति तुम पढ़ू बुरा आमीन बस आमीन पद पढ़ चल इधर सलात मुस्तकीम। गैर सी बात है, इसकी कौन इजाजत देता है ना। परेशानियां ही परेशानियां हैं, आना आपका कोई परेशानी नहीं। इमाम आगे है वो पढ़ लेगा। हजरत मुजद्दिद अल-पिसानी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, ऊंचे दर्जे की शख्सियत, साहिब मुकाशफा, और खुद फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा इसी फिक्र में था, यानी इसी तवज्जो में था कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने के सिलसिले में, तो मुझे मुकाशफा हुआ और मुझे बताया गया कि ये तो मकामी मुनाजात है। क्या है? मकामी मुनाजात में जब वफद एक साथ हो तो शहनशाह के साथ एक आदमी बात कर लेता है, बाकी उसकी ताईद में पीछे जमा रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो कलाम तो एक कर लेता है, तो मकामी मुनाजात है। मकामी मुनाजात में एक शख्स मुनाजात कर रहा है अल्लाह ताला से, बाकी गोया कि हाजिर है। तो फरमाया कि मकामी मुनाजात में इसने बात खत्म कर ली, पीछे लोगों को बताया गया कि तुम कह देना कि हजरत इसको पूरा कर लीजिए, इसलिए मुक्तदियों का फरमाया तुम आमीन कह दो, वरना ये कहते कि इमाम अपना आमीन कर लेगा, आप अपना आमीन कर लीजिए। तो हजरत ने यह भी लिखा है, और हजरत ने एक जगह यह भी लिखा है कि मैंने मुकाशफे में मसलक अहनाफ को देखा और सारे मसलकों को। मसलक अहनाफ ये किताब मेरे पास है हजरत की, तो मसलक अहनाफ मुझे समंदर की शक्ल में नजर आया। किसकी शक्ल में? हनफी मसलक, और बाकी मसालिक हौज की शक्ल में। जाहिर सी बात है, इतने औलुल्लाह और औलिया आए तो जाहिर सी बात है, तो क्या वो सब नौज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिक बेनमाज़ी थे दुनिया में? अब हम लोग इन मसाइल को न मस्जिदों में उठाते हैं न कहीं, हम कहते हैं कि भाई ये तो मसला ही नहीं। लेकिन अब ये मसाइल सामने आ गए कि अब पंपलेट भी तकसीम होते हैं कि हनफियों की नमाज ही नहीं, सीधे लिखते हैं। ये नहीं कहते कि भाई इनका मसलक है, इनकी भी नमाज होती है, हमारी भी नमाज होती है, नहीं, बिल्कुल तोड़ कर दिया जाता है कि तुम लोगों की नमाज ही नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? तुम फातिहा नहीं पढ़ते हो, भाई क्यों नहीं? हमारे पास तो दलाइल है, लेकिन आवाम को ये सारे दलाइल मालूम नहीं है। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानल हो इमाम, जिस शख्स का कोई इमाम हो, किरातुल ईमान किरात हो, यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उसकी किरात इमाम की किरात है। अब वो सवाल यह है कि मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत का हवाला देते हैं लोग, वो रिवायत मैं सुनाता हूं आपको, वो रिवायत आप सुन लें कि जिस पर सबसे ज्यादा दारोमदार है कि जो हजरत पेश करते हैं उस रिवायत को कि आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वो रिवायत मैं सुना देता हूं। आपने फरमाया मन सल्ला सलातन लम यक्रा फिहा बि उम्मिल कुरान फहिया खिदाजुन, जिस शख्स ने नमाज पढ़ ली और उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है। उसकी नमाज, जाहिर सी बात है ये तो मुनफरिद के लिए, नहीं नमाज पढ़ेगा तो नमाज तो नाकिस हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ लिया तो वाजिब छूट गया, जानबूझ कर छूटेगा तो वाजिब लिहाजा है। लेकिन मुक्तदी के बारे में इसमें तो ये नहीं है, और मुक्तदी के बारे में यही है कि जब इमाम किरात कर रहा हो तो इमाम की किरात आपकी किरात है। अच्छा मुझे बताइए, किरात सिर्फ सूरह फातिहा का नाम यह है कि पूरी किरात का? दुनिया में कोई भी शख्स इमाम के पीछे जमसूरा नहीं पड़ता है। सुषमा तम साथ अपना नाज इमाम है ब्रॉड कंच आंस कराती मैं इन किरात, हम कहते हैं ठीक है, जब उसकी किरात आपकी किरात मानी जाती है, हालांकि सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना जरूरी है। आप अकेले नमाज पढ़ लेंगे तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे? सुन्नत पढ़ लें, फर्ज पढ़ लें, नफुल पढ़ लें, सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलानी है तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलानी है तो फिर तो नमाज के इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा के बाद में तो कुछ न कुछ मिलानी चाहिए, ना आता है ना ही सही। लेकिन सारे लोग खामोश हो जाते हैं, फिर कोई नहीं पढ़ता, क्यों? कहते आप तो इमाम किरात कर रहा है। तो आना फरमाते हैं कि जिस तरह से दूसरा टुकड़ा आलम शरीफ के बाद वो आप तमाम लोगों की जानिब से अदा हो गया, गोया कि ये तो किरात कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, पहला वाला टुकड़ा भी तो किरात है, वो क्यों नहीं अदा होगा? इसका मतलब तो ये है वो हजरात भी इस चीज के कायल है कि इमाम जब किरात करेगा सूरह फातिहा के अलावा हमारी जानिब से भी किरात अदा हो गई, फिर आपकी जानिब से किरात कह जाओ, आप तो खामोश है। बात समझा गई? तो हम कहते हैं कि जिस तरह से आपका दूसरा टुकड़ा जमसूरा जिस तरह से अदा हुआ, हमारा तो फातिहा भी अदा हुआ, इसलिए किरात सिर्फ सूरह फातिहा का नाम है, किरात मजमूए का नाम है। किरात के माने पढ़ना,
इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इजा करल कारी, जब कारी साहब किरात करेंगे, वला दालिन पर पड़े तुम इमाम आमीन कर लो। कारी तो आपने उसी को फरमाया जो किरात कर रहा है, बाकी लोगों को कारी फरमाया नहीं, उनको तो मुक्तदी फरमाया कि वो तो इक्तिदा करते हैं। आपने फरमाया कि इमाम की इक्तिदा लाजिम है, इमाम रुकू करे तुम रुकू कर लो, इमाम सजदा कर ले तुम सजदा कर लो, इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, तो किरात पूरे का पूरे पर कहते हैं। अब वो रिवायत यह है, तीन मरतबा आपने फरमाया कि उसकी नमाज नाकिस है, जिसने बगैर फातिहे के नमाज पढ़ ली उसकी नमाज नाकिस है, तीन मरतबा आपने फरमाया। यह रिवायत खुद नकल करते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत से शागिर्दों ने अर्ज किया इन्ना नकून वरा अल इमाम, हजरत हम इमाम के पीछे होते हैं तो उस वक्त क्या करें। उस वक्त हजरत का फतवा सुन लीजिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इक्रा बिहा फी नफ्सिक, इक्रा बिहा फी नफ्सिक, इमाम के पीछे तुम सूरह फातिहा अपने जी में पढ़ो, अपने दिल में पढ़ो। सही मुस्लिम। यह तर्जमा किसने किया है? हनफियों ने नहीं, यह तर्जमा किया है जो हजरत मौलाना जूनागढ़ी साहब अलैहि रहमा है, और इसको छापा है सऊदी अरबिया वालों ने। अल्लाह तबारक ताला उनको जजाय खैर दे, बहुत जबरदस्त खिदमत करते हैं वो कुरान पाक की। तकरीबन दुनिया की हर जबान में उन्होंने कुरान पाक को छापा है, हत्ता कि कश्मीरी जबान में भी कुरान पाक को छापा है। जो हजरत मौलाना यूसुफ साहब अलैहि रहमा ने जो कश्मीरी तर्जमा लिखा है उसको छापा है सऊदी अरबिया ने, तो उन्होंने ये भी छापा है। तो यह इबारत जो मैं तर्जमा नकल किया है, मैंने उसी चीज तर्जमा नकल किया है, यह कुरान पाक है, यह कुरान पाक जो उर्दू तर्जमा है छापा है सऊदी अरबिया वालों ने, ये मौलाना जूनागढ़ी साहब अलैहि रहमा का तर्जमा है, और इस पर नजरसानी की है वहां के जो और उलमा है, उन्होंने इस पर नजरसानी की है जो उर्दू जानने वाले हैं। तो बहरहाल वो इस लिखा है तफसीर के साथ, तो यह इबारत में वहीं से पढ़ लेता हूं। तीन मरतब आपने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज किया गया इन्ना नकूनु वरा अल इमाम, हम इमाम के पीछे होते हैं, इमाम के पीछे भी हम नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त क्या करें, सवाल पूछ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इक्रा बिहा फी नफ्सिक, इमाम के पीछे तुम सूरह फातिहा अपने जी में पढ़ो। सही मुस्लिम। तो मुझे बताए हजरत इमाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने क्या जुबान से पढ़ने की इजाजत दी? इसमें फरमाया अपने दिल से पढ़ लो, दिल दिल में पढ़ लो, गोया कि हजरत ही की रिवायत है, हजरत ही का फतवा है, आपको जुबान से पढ़ने की इजाजत नहीं है। यह तो फिर तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की यही तो रिवायत है, आपने फरमाया कि दिल में पढ़ लो, जुबान से पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब सवाल यह है कि यही रिवायत तो मौलाना हकीम मोहम्मद सादिक सियालकोटी साहब ने तो नकल कर लिया है सलात रसूल में, उन्होंने तो तर्जुमा यह नहीं लिखा, तो हम उसका क्या करेंगे भाई, वो जाने। देखिए हजरत मौलाना सादिक सियालकोटी साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं, यही रिवायत यही है, अल्फाज यही है, रवाहु मुस्लिम, यही फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और न पढ़ी उसमें अलहमद शरीफ, बस वो नमाज नाकिस है, कहा इसको तीन बार, नहीं पूरी होती नमाज बगैर फातिहे की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया तहकीक हम होते इमाम के पीछे जब भी पढ़े तो क्या करें, तो कहा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने हां पढ़ लो उसको आहिस्ता, पढ़ लो उसको आहिस्ता। भाई गौर किया आपने अलहमद शरीफ पढ़ने की किस कदर ताकीद है, जबकि इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, बल्कि इससे पहले हदीस की रूह से बिल्कुल नहीं होती, तो इमाम के पीछे इमाम के पीछे पढ़ना हमारे लाजिम हुआ। सब भाइयों को चाहे कि आहिस्ता आहिस्ता जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि इसका पढ़ना फर्ज है। तो जो आदमी उर्दू दान हो और वह उर्दू की किताब पढ़ ले और ये सलात रसूल का मुताला कर ले और हवाला हो मुस्लिम शरीफ का, बात समझ आ गई, और वह लिखेगा कि मुस्लिम शरीफ में भी तो रिवायत है, ये हनफी क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसमें तो लिखा है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लो। दोस्तों असल इबारत तो है इक्रा बिहा फी नफ्सिक, क्या मैंने दोनों तर्जमे आपको दिखाए, ये तर्जमा वाला भी मसलक अहले हदीस से ताल्लुक रखता है, ये भी मसलक अहले हदीस से ताल्लुक रखता है। इन्होंने लिखा है कि इसको सूरह फातिहा को अपने जी में पढ़ लो, किसमें पढ़ लो, दिल में पढ़ लो। हजरत मौलाना ने लिखा इसको आहिस्ता पढ़ लो। अब मुझे बताइए दो में से कौन सा वाला तर्जुमा आप सही होगा, या ये होगा या ये होगा, दोनों सही तो नहीं हो सकते ना, दिल में पढ़ना कुछ और है और जुबान से पढ़ना कुछ और है। तो चूंकि ये किताब सलातुर रसूल सबों के घरों में आती है, इसलिए हनफी भी पढ़ लेते हैं, मुताला कर लेते हैं,
हनफी मुतासिब नहीं है ये भी जान लो, वो बेचारे खामोश रहते हैं, लेकिन उनको बताया जाए तो तुम्हारी नमाज नहीं होती, और इसलिए हनफी भी बहुत सारे पढ़ते रहते हैं पीछे, उनको एतमाद ही नहीं इमाम बोनी पर आमतौर पर, वरना जबरदस्त मैं तासुब के बगैर मसल की तासुब के बगैर जो दलाइल इमाम बोनी पर रखे उनका जवाब नहीं। बहरहाल इसमें तो साफ आया कि तुम सूरह फातिहा को पढ़ लो किस में, अपने जी में पढ़ लो, तो आहिस्ता कैसे तर्जमा करेंगे। अब देखिए इसी लफ्ज को हम कुरान पाक से ढूंढेंगे कि लफ्ज नफ्स का तर्जमा क्या है, किसी ने भी नफ्स का तर्जमा जुबान नहीं किया कि जुबान से पढ़ लो। कुरान पाक में है वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक, क्या वज़कुर रब्बक के और याद करता रह अपने रब को अपने दिल में, अपने तमाम कुरान पाक आप देख लीजिए जहां ये आए थे वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक, तमाम लोग यही लिखेंगे अपने रब को अपने दिल में याद कर लो, इसी को जिक्र कल्बी कहते हैं। जिक्र कल्बी में जबान खामोश रहती है, आदमी अल्लाह अल्लाह करता है दिल से। तो मालूम हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इजाजत नहीं देते इमाम के पीछे जुबान से क़िरात करने। अब बुखारी शरीफ की रिवायत आप सुन लीजिए जिसमें तज़किरा आया है उसका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, फरमाया कि जो आदमी जो मुझे याद करे, जो मुझे याद करे दिल में किसमें, तो मैं उसको याद करता हूं अपने दिल में, और जो मुझको याद करे किसी मजमे में मैं उसको याद करूंगा ऐसे मजमे में जो उसके मजमे से ज्यादा बेहतर है। ये रिवायत यहां है, मुझे ये सफा जल्दी नहीं मिल रहा है। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि जब बंदा मुझे दिल में याद कर लेता है तो मैं उसको अपने दिल में याद करता हूं। इदा ज़करनी फी नफ्सी ही ज़करतुहू फी नफ्सी, जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसको अपने दिल में याद करता हूं। तो नफ्स का तर्जमा तमाम हजरत ने लिखा है दिल दिल में याद कर लेना। तो अब हजरत ने क्यों लिखा है भाई, हम तो इसके जिम्मेदार नहीं है, मुझे सिर्फ यह बताना है हमारे अनफी हजरत अपनी नमाज को नाकिस क्यों कहते हैं, उन्हें क्यों एतमाद नहीं है इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा पर। और ये मसलक आज का नहीं है, ये तो छोटा सा मसला है सूरह फातिहा के इमाम के पीछे पढ़े न पढ़े, लेकिन हजारों मसाइल ऐसे हैं, हजारों मसाइल जो फिक्र की रोशनी में उन हजरत ने तरतीब दी है, मुदवन किए हैं। तो बहरहाल ये इस पर आया था कि इस सूरह शरीफ का एक नाम है सूरतुल क्या सलाह, सूरतुल सलात है, नमाज की सूरत है, इस वजह से पढ़ते सब हैं, अलबत्ता इमाम के पीछे हम खामोश रहते हैं। तो इमाम के पीछे जहरी नमाजों में तो तीन इमाम तो बिल्कुल इजाजत नहीं देते, नहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, नहीं इमाम अहमद बिन हंबल और नहीं इमाम मालिक, इमाम शाफी अलैहिर्रहमा का भी एक यही फतवा है किताबुल उम में, वो इबारत मेरे पास है मौजूद किताबुल उम की, और मैंने उसका हवाला भी लिख दिया है, जिल्द नंबर भी है, वो जिल्द नंबर 7 है, जिल्द नंबर सफा नंबर 153 है, उसमें हजरत तो जहरी नमाजों में इजाजत नहीं देते। अब रहा सिर्फ सिर का मसला, किसका, पर जब वो इमाम किरात करो क्या खामोशी से, उसमें इमाम शाफी रहमा उसको वाजिब और लाजिम करार देते हैं, बाकी हजरत फरमाते हैं कि पढ़ लो तो ठीक है, न पढ़ लो तो कोई जरूरी नहीं है। खुलासा निकला कि हनफी मसलक ही इसमें ज्यादा मजबूत नजर आता है अहादीस और कुरान पाक की रोशनी में। बहरहाल एक लफ्ज तो आया था इसका, वो नाम है सूरतु क्या सलात, इस वजह से मैंने ये दो चार चीजें आप हजरात के सामने बयान कर ली, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी का वो करना मकसद नहीं है। देखिए हम सब इमामों का एहतराम करते हैं, जो चीज किसी भी इमाम के यहाँ हो हम उसका बहुत एहतराम करते दिल से, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का एहतराम बहुत ज्यादा, क्या हम उनका एहतराम न करें जिन्होंने यह फरमाया खुद, मा बितु लैलतन इल्ला वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मैंने कोई रात ऐसी गुजारी नहीं, यह फरमा इमाम अहमद, जिसमें मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा, हर रात जियारत करते थे, और एक हज के बाद हज ही नहीं किया, क्यों, कहते हैं कि हो सकता है वहां इंतकाल हो जाए, मुझे तो तमन्ना है मेरी, मुझे तो मदीने तैयबा की मिट्टी नसीब हो। तो ये हजरत इतने ऊंचे अल्लाह अकबर, इसलिए किसी भी इमाम के दिल बारे में कभी भी दिल में जरा सा भी नागवारी आ जाएगी तो कसम खुदा की ईमान खतरे में है, इसलिए कि वो तो सब अल्लाह के वली हैं,
उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। हाँ फिकी तौर पर इज्तिहाद है, वो तो सहाबा किराम के दरमियान भी था, एक साहबी की एक राय किसी चीज में, एक साहब की दूसरी राय है, जब कोई वाजह बात सामने न हो। इसलिए इमाम अरबा का एहतराम करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम एहतराम करेंगे, मोहब्बत करेंगे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाही, ऐसा बिल्कुल नहीं, तमाम इमामों का एहतराम है। इसलिए ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये तो बदनसीबी है कि आदमी गुस्ताखी करे किसी भी अल्लाह के वली, किसी भी अल्लाह के महबूब या इन इमामों के साथ। आजकल बहुत सारे हमारे हजरात हैं वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को समझते हैं कि उन्होंने कुरान हदीस के खिलाफ किया, अपनी राय पेश की, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं आपको, ईद की नमाज है ना, उसमें अजान है नहीं है, तकबीर है नहीं है, है ना, किसके यहां, किसी के यहां भी नहीं। अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हदीस के खिलाफ करते तो जरूर ईद की नमाज में वो कहते कि बांगस पढ़ें, जागस पढ़ें, कम से कम अजान का हुक्म देते। आपने फरमाया नहीं, रिवायतें नहीं है इसलिए अजान नहीं होगी। और अजीब बात तो यह है कि जुमा में तो पहले होता है खुतबा, उसके बाद नमाज, यही तो तरतीब है ना। ईद में क्या है, ईद में पहले नमाज बाद में खुतबा, किसी का इसमें इख्तिलाफ ही नहीं। मालूम हुआ कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अइमा अरबा का आपस में इख्तिलाफ नहीं है, जोर जबरदस्ती कर ले नहीं, तहकीकात की बुनियाद पर उसको इज्तिहाद कहते हैं। तो हजूरी पाक सुन फरमाया, अल मुज्तहिद इज़ा इज्तहदा, मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है कुरान पाक और अहादीस को सामने रखकर दो शिक्कों में एक शिक्क को इख्तियार कर लेता है, फरमाया कि अगर उसको गलती हो गई, वही नख्ता फलहु अजरुन, तब भी उसको सवाब मिलेगी, वही नासाब फलो अजरान, अगर दुरुस्त नतीजे पर पहुंचे तो दो अजर मिलेंगे, दुरुस्त नतीजे पर पहुंचने का अजर अलग मिलेगा सवाब, और मेहनत का सवाब अलग मिलेगा। इसलिए मुज्तहिद जो है उसको गुनाह होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये इज्तिहादी मसाइल है, इज्तिहादी मसाइल में यही है कि जो जिस इमाम का पैर है उसके पे चले। कोई आदमी कहता जब ये सारे हक हैं कि क्यों ना कभी इधर चले कभी उधर चले, सुभान अल्लाह, फिर तो एक ही रास्ते पर आदमी चला कहां। अब ये बड़ी सगीर है या आनाफ है, इसलिए मसलक बदलने की जरूरत ही नहीं। अगर हमारा मसलक गलत होता तो फिर गलत चीज को बदलना चाहिए ना, गलत चीज है भाई, आज तक मालूम नहीं हुआ किबला ही गलत था। अगर मशीदी किबला ही गलत है ताचुबा दिला, मगर अगर था मशीदी किबले क्या है ठीक सदना है, मिसाल के तौर पर तो जाहिर सी बात हो तो मस्जिद ही रहेगी ना। इससे जब किबला हटा हुआ तब तो है, अगर हनफी मसला गलत है तो फिर उसको बदल दो, बदलना चाहिए, ये गलत मसला, मसलक ही गलत है। लेकिन अगर इस पर आ चुके हैं, 13-14 सदियां हो चुकी हैं, अहलुल्लाह आए हैं, औलिया इकराम आए हैं, हुकूमतें हुई हैं, इस पर किताबें लिखी गई हैं, तो जाहिर सी बात है इस पूरे के पूरे मसलक को हम क्यों कह देंगे ये तो मसलक ही सारा गलत है। इसलिए इन चीजों पर हम लोग मेहनत नहीं करते हैं कि भाई किसी को हाथ यहां बंधे हुए हम नीचे उतारे, ऐसा मामला नहीं है। हम लोग कहते हैं भाई उम्मत के अंदर जो है वो जो खराबियां और हैं इस वक्त उनकी तरफ ध्यान देना है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूर है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा तो कॉन्फ्रेंस बनानी पड़ती है, पहले जमाने में तो नहीं पड़ते थे, इसलिए कि आवाम के जहन में तो यह है कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो जान बूझ कर कुरान हदीस के खिलाफ करते थे। जो शख्स रातों को रोने वाला हो क्या उसकी हिम्मत हो सकती है वो हदीस के खिलाफ कर ले। असल में इमाम अबू हनीफा की गहराई तक जाना बहुत मुश्किल था, और उसकी एक वजह यह भी है क्या, हनफी मसलक तन्हा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मेहनत नहीं है, बिल्कुल नहीं। 40 मुज्तहिद वहां रहते थे, कितने जी, एक एक मसले पर दिन भर बहस होती रहती थी, कभी कभी तीन दिन लगते थे तब जाके उसको लिखा जाता था। बाकी मसालिक जो है उनमें क्या है, उनमें यह है कि हर शख्स की अपनी मेहनत है, हर शख्स की, लेकिन इमाम अबू हनीफा के लिए मेहनत नहीं है। लेकिन चूंकि बड़े थे इसे उनकी तरफ मनसूब किया गया, वरना इमाम मोहम्मद की मेहनत है, इमाम ज़ुबर की मेहनत है, इमाम अबू यूसुफ की मेहनत है। बहरहाल कभी आएगा कि फिर चार क्यों हो गए, वो तो एक अलग मसला है, वो भी कभी आएगा इंशाल्लाह। तो खुलासा यह है कि आज सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल हो गई, इसका खुलासा मैं कल अर्ज कर देता हूं ताकि सारा जहन में रहे, उसके बाद आगे इंशाल्लाह तफसीर चलेगी।